सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम जांच की मांग वाली याचिका। मंसूर अली खान ने दायर की थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। तो मंसूर अली खान ने याचिका लगाई थी, ईवीएम जांच की याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को झटका देते हुए इसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मंसूर अली खान ने याचिका दायर की थी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम जांच मांग वाली याचिका खारिज हुई है। तो मंसूर अली खान ने ये याचिका दायर की थी, तो जिस तरह से चुनाव ईवीएम के जरिए हो रहे हैं उसको लेकर ये याचिका लगाई गई थी, और अब इस पर बड़ा झटका याचिकाकर्ता को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो मंसूर अली खान ने ये याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम जांच की मांग वाली याचिका। मंसूर अली खान ने याचिका दायर की थी, तो जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे और चुनाव जो ईवीएम के जरिए हो रहे थे उन पर सवाल खड़े करते हुए ये याचिका मंसूर अली खान की तरफ से लगाई गई थी, जिसको अब बड़ा झटका यहां पर लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम जांच की मांग वाली याचिका खारिज हुई, बड़ी खबर इस वक्त की। तो मंसूर अली खान ने याचिका दायर की थी, जिसे फिलहाल झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है।